तो ये आपको आमंत्रण निमंत्रण दे रहे हैं नरवा पहाड़ रिक्रिएशन क्लब 2 से 2 प्रतियोगिता के लिए। डेट याद रखेगा 25 और 26 नवंबर 2023 को खुला जाएगा। अंतिमों की संख्या 32 होगी। एंट्री फी मात्र 5,000 रुपये रखा गया। पहला पुरस्कार के रूप में 70,000 ट्रॉफी, सेकंड पुरस्कार के रूप में 50,000 ट्रॉफी, थर्ड पुरस्कार 20,000 से सम्मानित किया जाएगा। गूगल पे फोन पे के माध्यम से ट्रॉफी जमा कर सकते हैं। बाबू थोड़ा बैठ जाओ ना, हमारे बैठ जाओ ना तो पीछे हो जाओ। मंच में क्लार्क के अध्यक्ष आगे आगे बैठ जाइए ना, आगे बैठ जाइए। क्लब में जुड़ चुके हैं आप लोग, इनके यहाँ आकर के एंट्री फी भी जमा कर सकते हैं। चलिए, ये पहला क्वार्टर फाइनल का मैच है। ये मुकाबला जो है करो या मरो वाली ये मुकाबला है, यानी कि डू और डाई वाली ये मुकाबला है। और ये जो खेल होगी मध्यम तक सहित, मैं दोनों ही टुकड़ों में जानकर बता दो, 25 मिनट का खेल होगी। यानी कि पहले हाफ का 12.5 मिनट का खेल होगी, सेकंड हाफ में 12.5 मिनट, यानी कि कुल मिलाकर 25 मिनट का खेल होगी। ये जो मुकाबला है क्वार्टर फाइनल का पहला नंबर का मैच है, और ये मैच दोनों ही टीम के लिए करो या मरो वाली ये मुकाबला है। युद्ध में जीतेंगे, प्राइज के दौर में शामिल होंगे, युद्ध में हार का सामना करेंगे, खाली हाथ घर वापसी करना होगा। चलो, कल भी काफी सारे बेहतर टीम हो गए, कल ग्रुप बी का मैच हो गया। कल भी सभी दर्शकों में जानकारी बता दो, एबीसी झोबरागोड़ा और भाटू एफ सी पाराटोला कल का पहला नंबर का मैच होगी। कल सेकंड नंबर का मैच बीटीएमएस हाथपंपा का सामना करेंगे निनोडी। 3 नंबर का मैच कल ग्रुप बी का शांति बॉयज क्लब सांची बी का सामना करेंगे 007 क्रोकोडाइल। 4 नंबर का मैच नायक ब्रदर तुरंडी का सामना करेगा सगुन ब्रदर्स भाटी। 5 नंबर का मैच पाताल बाबा टीम का सामना करेगा जयपाल स्पोर्टिंग करंडी। 6 नंबर का मैच कल ग्रुप बी के लिए लीजेंड एफसी तुरंडी का सामना करेंगे एनबीसी घागड़ी। 7 नंबर का मैच अनाड़ी एफसी का सामना करेंगे हांसदा ब्रदर। 8 नंबर का मैच टांगोर एफसी का सामना करेंगे एनबीसी बड़ा लखा। कल ग्रुप बी में भी काफी सारे बेहतर बेहतर टीम हमारे इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए पहुंचेंगे। फुटबॉल का दे देंगे, फुटबॉल दे देंगे, नए फुटबॉल दे देंगे हमारे क्लब के मेंबर्स जो है आप फुटबॉल को दे देंगे। तो कल ग्रुप बी का जो भी मैचेस होंगे, आप लोग जितने भी फाइनल चल रही है टीम के मैनेजर हैं सभी को मैं जानकारी बता दूं, कल निर्धारित समय पर ही खेल को शुरू किया जाएगा। कल फाइनल का दिन है, समापन समारोह होगी और सभी टीमों के टीम मैनेजर टीम के कप्तान कल आप लोग अपने टीम को सही समय में हमारे मेडिकल जोन में पहुंचा देंगे। फुटबॉल को दे देंगे टाइम ब्रेकर पर 2 गेंद चली गई है, 1 गेंद को पहुंचा देंगे ग्राउंड के अंदर। क्लब में बस ध्यान देंगे, 1 गेंद 2 गेंद अगर टाइम ब्रेकर में है तो 1 गेंद को ग्राउंड में पहुंचा देंगे। क्लब मेंबर्स ध्यान देंगे, फुटबॉल आप लोग दे देंगे। चलिए, गेंद आ चुकी है, खेल को शुरू कर देंगे। चलिए अभी जो मुकाबला का खेल देखेंगे, ये प्राज के दृष्टिकोण से ये मुकाबला का खेल होगी।
और देख रहा हूँ इस मुकाबले में कौन से टीम सेमीफाइनल की जगह बनाएंगे। ये है सन्नी टीम के सीनियर के तरफ में मौजूद है, ये है राहुल ढांगा एफसी के ऑलराउंडर डिफेंडर के रूप में मौजूद है। खेल बहुत ही शानदार होगी, राजा जैसे बेहतरीन खिलाड़ी, राज जैसे बेहतरीन फिनिशर टीम में मौजूद है। वही अगर बात की जाए विपक्षी दल के टीम में बीएफसी क्लब टंगा की टीम में, बीएफसी क्लब टंगा की टीम में भी राहुल टीम में मौजूद है, लारा जैसे अनुभव खिलाड़ी टीम में जुड़ा हुआ है, हेनरी जैसे नामचीन खिलाड़ी टीम में नजर आ रहे हैं। वही अगर बात की जाए तो टीम में ज्यादा से ज्यादा स्टार खिलाड़ी दोनों ही टीम में मौजूद है। यहाँ पर अच्छी तालमेल, चलिए पर राज के लिए राज गेंद के तरह बढ़ता हुआ अच्छी तालमेल पर सन्नी टीम के ढांगा में सिकेट के लिए ढांगा में से मैदान के ठीक दक्षिण सिर में ग्रीन पेरेट कलर के अपने दर्शकों दिखे हैं।